चैप्टर नंबर सेकंड है ना ये, ठीक है। अगर कोई बहुत पुरानी बुक यूज़ कर रहा होगा तो फर्स्ट भी होगा, नहीं तो नई बुक में तो चैप्टर नंबर सेकंड है। कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें, कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, वो तो दो तरीके होते हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। एक तो फिक्स मेथड होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। दो मेथड है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। फिक्स मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। एक तो बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा करंट अकाउंट। और जब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की, देखो फिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कैपिटल फिक्स है, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक कैपिटल एक जैसी है। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर कैपिटल चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। पार्टनर्स अगर पैसा निकाल लेंगे तो कम हो जाएगी, पैसा अगर एडिशनल ले आएंगे तो बढ़ जाएगी, जो भी है। तो अगर ड्राइंग वगैरह करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन इसमें आ जाएंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, और वो कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर भाई फिक्स मेथड बनाया तो दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओनली किसका बैलेंस आएगा, ओनली कैपिटल का बैलेंस आएगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज आते हैं, ठीक है, नॉर्मली ज़्यादातर 99% सिचुएशन में। अगर वो कैपिटल बढ़ाना और कम नहीं करना चाहते तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आएंगे, बाकी सारे के सारे अदर ट्रांजेक्शन्स कहाँ आएंगे, यहाँ पर। अदर ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर करंट अकाउंट में सारे के सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल लोन, इसके अलावा कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट है। और ये चीज़ ये समझ लो, ये चैप्टर नंबर सेकंड में नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ और ओवरऑल डिसोल्यूशन तक। आपको ये सारे अकाउंट में ये सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आगे तक चेंज नहीं होने वाला, पूरे पार्टनरशिप में फॉर्मेट एक जैसा ही रहेगा, बस चीज़ें बदलती चली जाएगी। इस चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखेंगे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल ड्राइंग, सॉरी एडिशनल लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, और सॉरी डेबिट साइड, और अगर गेन होगा तो या प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। बाकी अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग की, तो भाई इन दोनों को अगर मर्ज कर दो एक साथ तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। यानी इसमें कैपिटल के बैलेंस भी आएंगे और सारे जो अदर ट्रांजेक्शन थे ना, ये भी कहाँ पर आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आपकी हर साल कम या ज़्यादा होगी, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो कम हो जाएगी, पैसा निकाल लोगे तो कम हो जाएगी, पैसा अगर डाल दोगे बिजनेस में तो बढ़ जाएगी, यानी फ्लक्चुएट होगी हर साल कैपिटल। यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हर साल क्या आएंगे, सिर्फ बैलेंस आएंगे और बाकी अदर ट्रांजेक्शन कहाँ चले जाएंगे, करेंट अकाउंट में। इसलिए कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की अगर डिफरेंस की बात करें तो कुछ बेसिक डिफरेंस देख सकते हो आप। जनरली इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि फॉर्म के लिए लाइबिलिटी होगी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में डेबिट और क्रेडिट की कुछ भी हो सकता है। इस मेथड में दो अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट में, उस मेथड में हम एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा करेंट अकाउंट में यहाँ सारी डिटेल आती है बैलेंस के अलावा, वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है। सब लोग ध्यान देना, अगर हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर फिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल, बस आपको क्या बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओल्ड बैलेंसेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली ज़्यादातर सिचुएशन में यही होगा, जब तक कि कैपिटल को ना बढ़ाया जाए। अगर कैपिटल बढ़ाने की बारी आई कि भाई सारे के सारे पार्टनर सोच रहे हैं कि कैपिटल बढ़ा लें, फिक्स कैपिटल, तो एक और एंट्री हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बाय कैश। क्या एंट्री हो सकती है, बाय कैश। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारी कैपिटल 10-10 हज़ार थी, अब सारे पार्टनर सोच रहे हैं कि कैपिटल को 20-20 हज़ार कर लेते हैं, तो कैपिटल और लेकर आएंगे। तो याद होगा मैंने कुछ वीडियो इससे पहले भी अपलोड किए थे, इसमें मैंने कैपिटल लाने की एंट्री की थी। जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता था तो क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेकर आएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अरे जो भी है, ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो जब लेकर आएंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ड्यू टू कैश। और ये भी 99% केसेस में ये सिचुएशन नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है, नहीं आने वाली, ठीक है। 1% सिचुएशन ऐसी, कोई फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो आ जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। आपको बस क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, और इधर क्या लिख देना है उसी चीज़ को, टू बैलेंस सीडी। क्योंकि वो हमने क्या कहा, फिक्स मेथड में कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है ना। फिक्स का मतलब क्या, जैसी पहले थी वैसी अब है, ठीक है। ये भी बहुत सालों में, या कभी चेंज करने का मूड हुआ तो, ठीक है, ऐसा भी नहीं हर साल चेंज करेंगे, कभी जब भी
इसलिए ये कभी जो भी एंट्री हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, बाकी बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट की, और इसका बैलेंस हमेशा याद रखना कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। ठीक है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, ये डिफरेंस है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में। अब बात आती है करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। समझ में आया, बैलेंस इसका कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया बैलेंस। अब करेंट अकाउंट में ये समझ लो क्रेडिट साइड वो चीजें आएंगी जो आपको अच्छी फीलिंग्स देती हैं, ठीक है, जो आपके अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाती हैं, और इधर वो चीजें आएंगी जो आपके अकाउंट के बैलेंस को कम करती हैं। जो आपके अकाउंट से जब पैसा निकलता है तो अच्छी फीलिंग वो नहीं आती है ना, थोड़ा ऐसा लगता है अरे यार कट गया, ठीक है, और जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है सैलरी आती है तो अच्छा लगता है ना। तो जो भी चीजें आएंगी क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म के लिए पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट तो लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं ना, और तो हमारे लिए एसेट्स होंगे, और लाइबिलिटीज क्या होती है, जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है ना, जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो फर्म पार्टनर को, पार्टनर का अकाउंट अपने यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, तो सेविंग अकाउंट बैंक के पास होता है ना आपका, बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह सोचो, जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट है ये। ये हो गया करेंट अकाउंट तो खुलता ही है बैंक में, सुना ही होगा। ठीक है, तो जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो क्रेडिट, और निकालते हो तो डेबिट, क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, तुम्हारे लिए एसेट्स। अगर तुमने 11th में BRS पढ़ा होगा तो BRS में कैशबुक और पासबुक बड़ी यूज करते थे ना, पासबुक बैंक मेंटेन करता है, होती तुम्हारी है, ठीक है, तुम्हारे पास होती है लेकिन मेंटेन बैंक करता है, तो वो बैंक की प्रॉपर्टी है, बैंक की प्रॉपर्टी होता है पासबुक। उसमें भी तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो अच्छी फीलिंग आती है हमको, और डेबिट होता है तो ऑड फीलिंग आती है। ठीक है, तो वैसे ही जब हमारे अकाउंट में कुछ भी आएगा तो क्रेडिट कर देना, मतलब एक याद रखने की हिंट कि क्रेडिट साइड अच्छी फीलिंग आती है। अब अच्छी फीलिंग कब कब आएगी, जब तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आएगी, जब तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आएगी। मैंने इसके बारे में भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है कि कौन सी चीज़ें फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए खर्चा और पार्टनर के लिए इनकम, सारी चीज़ें क्रेडिट साइड आएंगी, सैलरी। दूसरी चीज़ पार्टनर को और क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट, किसके ऊपर, ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला तो ये भी अच्छी चीज़ है ना। फिर क्या मिल सकता है, बाय इंटरेस्ट ऑन एडिशनल लोन, अगर हमने कोई एडिशनल लोन किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो उस पर भी मिल सकता है। ठीक है, किसी पार्टनर को और क्या मिल सकता है, कमीशन, कमीशन मिल सकता है, बोलो। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। इसके अलावा और क्या मिल सकता है, कमीशन के अलावा बोलो और क्या मिलेगा, अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आएगा वो भी मिलेगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमको अच्छी फीलिंग देती हैं। ठीक है, जिनसे हमारे अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या सॉरी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, सारी क्रेडिट साइड। अब कम करने वाली चीज़ें इधर आ जाएंगी, क्या आएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग ही लिख सकते थे चाहे तो, और टू कैश, ब्रैकेट में लिख लेना ड्राइंग, क्योंकि जब बंदा पैसा निकालेगा तो एंट्री क्या होती थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और फिर ड्राइंग अकाउंट को कहीं ना कहीं करंट अकाउंट से हम मर्ज करके या हम उसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो गई, दो चीज़ें जो पार्टनर्स को दुख देती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ अगर लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या आएगा, यहाँ पर लॉस, ये भी दुखदाई होता है, लॉस कौन चाहता है, ये क्या था, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ आएगा और लॉस इधर आ जाएगा। ये वो सारी चीज़ जो आपके बैलेंस को कम कर रही हैं, और उधर वाली वो सारी चीज़ें हैं जो आपके बैलेंस को बढ़ा रही हैं। यानी सेविंग अकाउंट में जिस तरीके से आपके, देखो सेविंग अकाउंट में आपकी सैलरी आ सकती है, इंटरेस्ट आ सकता है, कमीशन कोई आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। ठीक है, वैसे ही करेंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये तो हो गया क्या, करेंट अकाउंट। ठीक है, अब या तो बैलेंस इधर आ जाएगा या बैलेंस उधर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस अगर ये वाली साइड एक्सेस हुई तो टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और अगर ये वाली साइड एक्सेस हुई तो बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, और यहां पर आप कर दोगे इसका टोटल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है करंट अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट तो एकदम सिंपल है, फिक्स मेथड में एक लाइन का बनेगा, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, खत्म। ठीक है, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, वो सेकंड वाली एंट्री भी फॉर्मेट है इसलिए कराया,
जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे नहीं आएगी ये लाइन, ठीक है, या एक दो क्वेश्चन में आए तो आए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नोट कर लो फटाफट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट था। अगर मैं इसको जोड़ दूं, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दें तो ये बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी दोनों के मिक्सचर, देखो बैलेंस तो एक ही बार निकलेगा भाई, बैलेंस थोड़ी ना दो दो बार निकलेगा, तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, ये बैलेंस जो ओपनिंग में आ रहे थे हट गए। अब ये स्पेस आप लोग मत छोड़ देना, ठीक है, बस वो तो जादू दिखाने के लिए था कि कुछ भी नहीं है, जो चीज़ करेंट अकाउंट में हम लिखते हैं अगर उसे मैं कैपिटल अकाउंट में लिख दूँ उठा के, सारी की सारी चीज़ें कहाँ हैं, पहले करेंट में थी अब कहाँ आ गई कैपिटल में, ये सारी की सारी चीज़ें पहले कहाँ पे थी करेंट में, अब कहाँ आ गई कैपिटल में, तो बस बैलेंस तो एक बार ही निकलेगा ना यार, ठीक है, फाइनली जो भी बैलेंस आएगा डेबिट या क्रेडिट। तो हम यहाँ पर ये बन जाएगा फिक्स की जगह, ये कौन सा मेथड हो गया, ये बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग मेथड में जितने भी जो ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ पर भी बैलेंस डेबिट या क्रेडिट निकल आएगा। तो अब देखो यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग में इतनी थी, क्लोजिंग में इतने सारे, ये एडजस्टमेंट हो गए प्लस ये एडजस्टमेंट हो गए इधर, तो इन एडजस्टमेंट की वजह से या तो कम या ज्यादा हो जाएगी। और यही तो कहता है फ्लक्चुएटिंग कि भाई कैपिटल इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी, समझ में आ रहा है, कम ज्यादा होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, नोट कर लो।